पाकिस्तानी कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छता पर जोर देने वाले संदेश वाली ट्विंकल खन्ना की फिल्म पैडमैन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म का संदेश वास्तव में लोगों को प्रेरणा देता है। मलाला ने पैडमैन की निर्माता ट्विंकल खन्ना से गुरुवार को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बहिष्कारी समाज द ऑक्सफर्ड यूनियन के दौरान मुलाकात की थी। एक बयान के अनुसार मलाला ने ट्विंकल से कहा, मैं पैडमैन फिल्म देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि इस फिल्म का संदेश बहुत ही प्रेरणादायक है। बता दें कि ट्विंकल यहाँ कई सांस्कृतिक, राजनीतिक और कई नामी हस्तियों के साथ मौजूद थी। ट्विंकल की फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन और कार्यों पर आधारित है। मुरुगनाथम 20 साल पहले कम लागत वाली सैनिटरी पैड्स बनाने की मशीन की खोज से भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।